और वहीं बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं सोनीपत से, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा बंगाली शांसी क्लिनिक पर। सीएम फ्लाइंग की रेड, टीम ने झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ की संयुक्त रेड, बिना लाइसेंस क्लिनिक चला रहा शख्स गिरफ्तार। 24 सालों से बिना लाइसेंस चला रहा था क्लिनिक और अब शख्स की गिरफ्तारी हो गई है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर क्लिनिक पर रेड मारी गई और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि बिना लाइसेंस के 24 साल से ये पूरा क्लिनिक शख्स चला रहा था और फिलहाल गिरफ्तारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ संयुक्त रेड, बिना लाइसेंस क्लिनिक चला रहा शख्स गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सोनीपत से सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा, टीम ने झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। राम सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। राम सिंह 24 साल से बिना लाइसेंस के शख्स क्लिनिक चला रहा था और अब जाकर गिरफ्तारी हुई है, अपडेट क्या है इस पर आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो है बिना लाइसेंस के जो है 24 साल से 12वीं पास ये शख्स जो है क्लिनिक चला रहा था, राय के गांव में क्लिनिक चला रहा था। खासतौर पर बात करें तो मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और स्वास्थ्य विभाग सोनीपत की टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। आरोपी के पास कोई भी जो है वैध लाइसेंस डिग्री या डिप्लोमा नहीं मिला है और मौके पर 30 प्रकार की एलोपैथिक वती 13 प्रकार की अलग अलग किस्म की दवाई जो है बरामद की गई है। और अगर बात करें, लालटू अधिकारी हैं और ये 12वीं पास जो है पिछले लंबे समय से यहाँ पर क्लिनिक चला रहे थे। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही कि इतने लंबे समय से जिस प्रकार से 24 साल से बगैर लाइसेंस के ये झोला छाप डॉक्टर जो है क्लिनिक चला रहा था, आखिर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था और इसकी जांच होनी चाहिए थी, वो जांच क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल। खासतौर पर अब हालांकि जिस प्रकार से अब कार्रवाई की गई है तो कार्रवाई ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।